जैन दोस्तों, आखिर क्यों हर सरकार के द्वारा इलेक्शन के टाइम ही कानून बनाना, जॉब प्रोवाइड करना, नए स्कीम बनाने जैसे काम किए जाते हैं? मैं बात कर रहा हूँ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, धार्मिक कानूनों की, जिन्हें अंग्रेजों तक ने नहीं छुआ। अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, फिर भी मोदी सरकार क्यों अड़ी है भारत में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की? आज के इस वीडियो में टटोलेंगे उन इतिहास के पन्नों को जिसमें यूसीसी को मेंशन किया गया है। अक्टूबर 1840 में, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, एक रिपोर्ट में सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाने की बात हुई। लेकिन उस वक्त अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज को इससे बाहर रखा गया। उस वक्त पहली बार यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसे लागू नहीं किया। आखिर क्यों अंग्रेजों ने पर्सनल लॉज से दूरी बनाई हुई थी? भारत में ब्रिटिश शासन से भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानूनों से भारत में राज करती थी। साल 1780 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके जरिए हिंदू और मुस्लिम पर अंग्रेजी कानून अप्लाई करने की प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। और 1833 में इंडिया चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसके तहत इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया। इसके बाद 1840 में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सभी भारतीयों के लिए एक कानून बनाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में हिंदुओं और मुस्लिमों के धार्मिक कानूनों को अलग रखा गया और अंग्रेजों ने इंडियन पेनल कोड 1860 जैसे कानून बनाए। इसके बावजूद धार्मिक कानूनों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। और कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि उस वक्त भारत में धार्मिक कानूनों का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। अंग्रेजों के लिए पर्सनल लॉज जैसी जटिलताओं को समझना कठिन था। इससे बेहतर वो अपने कारोबार और मुनाफे पर फोकस रखना चाहते थे। अब बात करते हैं 23 नवंबर 1948 को, जब कांग्रेस के मीनू मसानी ने पहली बार संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया। आर्टिकल 35 में यूसीसी की बात कही गई और संविधान सभा में जोरदार बहस छिड़ गई, जिसमें संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, हंसा मेहता और जवाहरलाल नेहरू ने इसका जमकर समर्थन किया। और इसके विरोध में मोहम्मद इस्माइल, अजीरुद्दीन अहमद, हसरत मोहानी समेत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कई सदस्य शामिल थे। उस वक्त पश्चिम बंगाल के सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, अभी समय नहीं है, इन मामलों में समय के साथ धीरे धीरे हस्तक्षेप करना चाहिए। अहमद ने कहा, मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि एक समय ऐसा आएगा जब देश में समान नागरिक होंगे। और यूसीसी के समर्थन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, देश में विवाह, विरासत आदि मसलों को छोड़कर पहले ही कई समान नागरिक संहिता हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म कैसे इतनी ज़्यादा जगह घेर सकता है। यूसीसी एक वैकल्पिक व्यवस्था है और ये नीति निदेशक सिद्धांत होगा। इसी वजह से राज्य इमीडिएटली ये प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं है और राज्य जब इसे ठीक समझे तब इसे लागू कर सकता है। 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया था, जिसमें हिंदुओं में मृत्यु के बाद विधवा पुत्र और पुत्री में संपत्ति के बंटवारे से जुड़े नियम, शादी से जुड़े प्रावधान जिसमें हिंदू पुरुषों के एक से ज़्यादा विवाह पर रोक और हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार। अंबेडकर के इस बिल का हिंदू कट्टरपंथियों ने जोरदार विरोध किया। इसे 9 अप्रैल 1948 को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। 1951 में अंबेडकर ने नेहरू के समर्थन से हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। 3 दिन तक बहस चली। विरोध में कहा गया कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही कानून क्यों बना है। अंबेडकर हिंदू कोड बिल को लेकर कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी है हिंदू कोड बिल पास कराने की, लेकिन तमाम विरोध और आम चुनाव नज़दीक होने की वजह से नेहरू इसे टाल गए और अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और अक्सर सुर्खियों में रहता है मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली शाहबानो का केस। दरअसल इनका निकाह मोहम्मद अहमद खान से हुआ था, जो जाने माने वकील थे। दोनों के 5 बच्चे थे। बाद में अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली और 62 साल की शाहबानो को घर से निकाल दिया। इसके बाद शाहबानो ने गुजारा भत्ते के लिए केस दायर किया तो अहमद ने मेहर की रकम देकर गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। मेहर वो होती है जो कि शादी के टाइम पर बांधी जाती है मुस्लिम में, ठीक है। और अहमद का तर्क था मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत यही नियम है। मामला सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ तक पहुंचा तो उस वक्त के चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने कहा, शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित किया और यूसीसी ना होने पर अफसोस
जताया। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बजाय उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने प्रोटेक्शंस ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब नजर डालेंगे आखिर क्यों यूसीसी पर फिर माहौल गर्म है। 14 जून को भारत के लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी थी। इसके लिए एक महीने का वक्त रखा था। 27 जून को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते, ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। वहीं 3 जुलाई को संसद की स्थायी समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सांसदों की राय जानने के लिए एक बैठक बुलाई। और आप लोगों को पता होगा बीजेपी के मैनिफेस्टो के 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं, राम मंदिर, आर्टिकल 317 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले दो मुद्दे पूरे हो चुके हैं और 2024 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपना तीसरा ट्रम्प कार्ड निकाला है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं चुनावी नज़रिए से देखें तो यूसीसी का मुद्दा उठाने के लिए बीजेपी की ये टाइमिंग परफेक्ट है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार को घेर रही थी, अब विपक्षी भी बीजेपी की पिच पर खेलने को मजबूर हैं। वहीं बीजेपी के एक प्रवक्ता अमिताभ सिन्हा कहते हैं बीजेपी हमेशा एक देश एक विधान और एक निशान की बात करती रही है, मुस्लिम औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया है और विपक्ष सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करता है। वहीं बात करें अगर कि दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की किस तरीके से मतलब कि उसको बताया गया है, सो ज़्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक कानून है। वहीं इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉज के रूप में लागू है। इसराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित इसराइल बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के को शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है। भारत के राज्यों में अगर बात करें यूसीसी के बारे में, सो अभी भारत में गोवा ही अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाल सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा भारत में विलय हुआ, इसके बाद भी वहां ये कानून लागू रहा। इसके अलावा उत्तराखंड में एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।